यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन डे नंबर 12 12 नंबर पे रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि डे बारे में जो बात करने वाले हैं, स्टार्टिंग करें टॉपिक्स हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से यूपी पीजीटी में मेनली वन क्वेश्चन आ जाता है, कभी फॉर्मूला बेसिस होता है, कभी न्यूमेरिकली बेसिस होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आने के चांसेस बना रहता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, बट एक क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक्स को थोड़ा सा स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है जनरली। तो हम ज़्यादा इस पर डिफाइन ना करते हुए डायरेक्ट फॉर्मूले से ले रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू होगा डी एस अपॉन डी साई फोर, अगर कर्व साई एस की फॉर्म में है, एस एंड साई की फॉर्म में है, ठीक है, देन रो इक्वल टू होता है डी एस अपॉन डी साई, ठीक। रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई, अगर इंटेंसिक इक्वेशन एस इक्वल टू ए साई है, कोई सर्किल है, मान लिया सर्कुलर पार्ट बना ले रहा है और उसका इंटेंसिटी की इक्वेशन एस इक्वल टू ए साई है, ठीक है। तो एस अगर एस इक्वल टू कोई फंक्शन साई का फंक्शन है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इंटेंसिटी इक्वेशन। कभी कभी बात आता है इंटेंसिटी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। इंटेंसिटी इक्वेशन वो इक्वेशन जो एस इक्वल टू एफ ऑफ साई की फॉर्म में हो, तो उससे बनने वाली इक्वेशन को इंटेंसिक इक्वेशंस कहा जाता है। तो कभी कई बार ये भी आ जाता है, जैसे कि कोई ऑप्शन दिया हुआ है एस इक्वल टू फोर ए साइन साई है, या कुछ और चीज़ें दिया है, किसी का कर्व का इंटेंसिक इक्वेशन पूछ लिया गया है। तो इंटेंसिक इक्वेशन जो एक्स और वाई में तो होती नहीं है, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म में होती नहीं है, तो एस और साई के टर्म में जो इक्वेशन होगी वो होगी इंटेंसिक इक्वेशन। ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रहे, तो कभी कभी बातें एक क्वेश्चन सपोज नहीं आता था और वो इंटेंसिक इक्वेशन याद भी नहीं थी और उस ऑप्शन में से हमारे पास एक ही है, ठीक है, और वो एस और साई के टर्म में है, तो उस पर ट्रिक लगा दिया, वो भी सही हो गया। तो इस तरह से भी कभी कभी सही हो जाता है। मान लिया कोई सर्कल है जिसका इंटेंसिक इक्वेशन ये है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू ए, यानी कि कॉन्स्टेंट क्वान्टिटीज होगा, ठीक है। सर्किल अगर सर्किल कोई है, सर्किल का इंटेंसिक इक्वेशन अगर एस इक्वल टू एस आई है, देन ये होगा। अगर बता दीजिए साइक्लाइड की, ये तो सर्किल के लिए था, और साइक्लाइड का इंटेंसिक इक्वेशन एस इक्वल टू फोर ए साइन साई होता है। साइक्लाइड का इंटेंसिक इक्वेशन होता है एस इक्वल टू फोर ए साइन साई, यानी कि डी एस अपॉन डी साई या रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू हो जाएगा फोर ए कोस साई, डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू होगा फोर ए कोस साई। फोर ए कोस साई में आंसर नहीं दिया जा सकता, जो आंसर जनरली दिया जाता है वो साई के टर्म को हटाते हैं, जैसे कि इसको अगर कोस साई को लिख सकते हैं वन माइनस का साइन स्क्वायर साई, और यहाँ से हम साइन साई की क्वांटिटी से अगर निकालेंगे तो होगा एस अपॉन फोर ए। तो डी एस अपॉन डी साई कट होगा फोर ए अंडर रूट वन माइनस का एस स्क्वायर अपॉन फोर ए का हॉल ऑफ स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी एक दो बार आ चुका है, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑप्शन बना के पूछा गया है, साइक्लाइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया 4a एंड अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर अपॉन 4a, 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर, ठीक है। इट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ साइक्लाइड, ये है साइक्लाइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर्स होगा, ठीक है। तो ये तो जनरल से फॉर्मूलेस हैं एस एंड साई के टर्म में, इससे हम साइक्लाइड का रेडियस ऑफ, इससे कोई कर्व से उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे कि क्वेश्चंस है हमारे पास एस इक्वल टू सी टेन साई, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, तो डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू सी टेन साई का हो जाएगा सेक्स आई, टेन साई का डिफरेंशिएशन होता है सेक्स आई, एंड सेक्स आई का टेन साई का डिफरेंशिएशन कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि सेक्स आई का सेक्स आई इंटू टेन साई होता है, टेन साई का सेक्स स्क्वायर साई होना चाहिए, टेन का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर साई। वन प्लस का टेन स्क्वायर साई इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर साई, तो सेक स्क्वायर साई को वन प्लस का टेन स्क्वायर साई लिख सकते हैं, तो ये होगा वन प्लस का टेन स्क्वायर साई, एंड टेन साई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से
टेन साई इक्वल टू होगा एस अपॉन सी, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट किया तो एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस का एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एंड कट करेंगे सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन सी, यानी कि डी एस अपॉन डी सी आई या रेडियस ऑफ कर्वेचर रो, रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी सी आई इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन सी, इट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यह होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एस इक्वल टू सी टेन साई का। तो जनरली छोटा सा बहुत छोटा क्वेश्चन या फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन आ जाता है, तो उसी पर डिपेंडिंग हम क्वेश्चन देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए एस इक्वल टू सी लोग सेक्स आई, एस इक्वल टू सी लोग सेक्स आई, ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रो फाइंडिंग करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई, तो रो इक्वल टू होगा डी एस अपॉन डी साई, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं लॉग सेक्स आई का, अगर इसको टिलेट किया तो वन अपॉन सेक्स आई, एंड सेक्स आई का डिफरेंशिएशन होगा सेक्स आई इंटू टेन साई। ठीक है, सेक्स आई से सेक्स आई कैंसिल हुआ है तो बन रहा सी टेन साई, यानी रो इक्वल टू सी टेन साई, रो इक्वल टू आ गया सी टेन साई। टेन साइज को हम इस टर्म में यहाँ से निकालेंगे, यानी कि अगर आंसर हमको देना है एस अपॉन सी इक्वल टू होगा लॉग सेक्स आई, एंड सेक्स आई इक्वल टू यहाँ से बन जाएगा सेक्स आई इक्वल टू ई की पावर एस अपॉन सी। ठीक है, तो सेक्स आई इक्वल टू ई की पावर एस अपॉन सी है, फॉर्मूला है वन प्लस का टेन स्क्वायर साई इक्वल टू सेक स्क्वायर साई, एंड यानी कि टेन स्क्वायर साई इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर साई माइनस का वन, एंड टेन साई इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर साई माइनस का वन, तो रो इक्वल टू हुआ सी, टेन साई को लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर साई माइनस का वन, रो इक्वल टू सी अंडर रूट सेक साई या ई की पावर एस अपॉन सी का स्क्वायर माइनस का वन। इस तरह से हम इस फॉर्म को मैनेज कर सकते हैं या इस तरह से इसको लिख सकते हैं, रो इक्वल टू सी अंडर रूट ई की पावर एस अपॉन सी का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इस कंडीशंस को लिखा जा सकता है। तो इसको हमने मैनेज किया, रो इक्वल टू सी अंडर रूट ई की पावर ऐसा गया है, अब देखते हैं कैसे अगर कम चलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन दिया हुआ है एस इक्वल टू ए ई की पावर एम साई माइनस का वन, इस तरह से दिया है तो उसको अभी इसी में इसी फॉर्म में कन्वर्टिंग करना पड़ेगा, ए ई की पावर एम साई माइनस का ए, यानी एस प्लस का ए इक्वल टू ए की पावर एम साई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। डी एस अपॉन डी साई करेंगे, डिफरेंशिएशन इसका जीरो हो जाएगा, ई की पावर एम साई का ई की पावर एम साई इंटू एम। ठीक है, और डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू ए एम ई की पावर एम साई। ठीक है, अब यहाँ से बात बन सकती है ए ई की एम ए ई की पावर एम साई, इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, यानी ये रो चल रहा है, रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई होता है, इसकी वैल्यू पुट किया तो एस प्लस ए हो जाएगा, एम इंटू एस प्लस का ए, देन रो इक्वल टू एम ब्रैकेट में एस प्लस ए, इट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है या दूसरी जो फॉर्म होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, ये तो थी पहली वाली फॉर्म जो रो के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो दूसरी वाली फॉर्म है उस फॉर्म पे ही डिपेंडिंग क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इस पे भी आ जाता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है रो इक्वल टू वन प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर की होल ऑफ की पावर थ्री वाई टू अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कभी कभी देखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ही पूछ लिया गया, जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसको ही ऑप्शन बना के पूछ लिया, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, कर्व वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होगा, या फिर ये भी हो सकता है और वन प्लस का डी एक्स अपॉन डी वाई का हॉल ऑफ स्क्वायर की पावर थ्री वाई टू अपॉन डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो दो तरह से फॉर्मूले को मैनेज किया जा सकता है, अगर डी वाई बाई डी एक्स में है तो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर का इस तरह से फॉर्म आता है, एंड डी टू एक्स अपॉन डी वाई में है वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर की टर्म में फॉर्मूलाज बन जाता है। ठीक है, और ये रहे इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले, जब फंक्शन बाई एक्स एंड वाई की फॉर्म में होगा तब ये फॉर्मूलाज अप्लाई होगा। ठीक है, अब बात आती है कि एक
इस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर पी बाई, ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ऑफ एक्स, ठीक है, तो वाई इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर अपॉन फोर बी, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, वन पॉइंट फोर बी एक्स स्क्वायर होगा टू एक्स, यानी एक्स अपॉन टू बी, एंड डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वन अपॉन टू बी एक्स का हो जाएगा वन, यानी कि वन अपॉन टू बी, ये आ गया। रो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रो इक्वल टू, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर होल ऑफ पावर थ्री बाई टू अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास एक्स अपॉन टू बी, इसका होल ऑफ स्क्वायर होल ऑफ पावर थ्री बाई टू अपॉन डी अपॉन टू बी, ठीक है, वन अपॉन टू बी। तो रो इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन फोर बी स्क्वायर की होल ऑफ पावर थ्री बाई टू, ठीक है, अपॉन वन अपॉन टू बी, टू बी स्टार्टिंग में आ जाएगी ऊपर, यानी कि रो इक्वल टू टू बी एंड फोर बी स्क्वायर, फोर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर बी स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, एंड टू बी हो गया फोर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू अपॉन फोर बी स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, ठीक है। आप इसको सॉल्विंग करेंगे एंड रो इक्वल टू टू बी जो कि फोर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, जो कि टू बी का स्क्वायर की होल ऑफ पावर थ्री बाई टू कैंसिल हो गया, या टू बी एंड फोर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू अपॉन टू बी की पावर थ्री, टू बी की पावर थ्री बचा है, यानी कि एक टू बी का स्क्वायर और बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रो बराबर फोर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू अपॉन फोर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर द रेडियस ऑफ कर्वेचर की फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका फाइंडिंग करना है। तो वाई बाई इक्वल टू सी स्क्वायर बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर माइनस वन, और एक्स की पावर माइनस वन का हो जाएगा माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर एक्स की पावर माइनस टू। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन लेना डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर एक्स टू एक्स की पावर माइनस थ्री, यानी कि टू सी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, ये होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो दोनों क्वांटिटीज़ हम निकाल चुके हैं, अब फॉर्मूला सप्लाई करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रो का फॉर्मूला। रो इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला हुआ करता है रो इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर की होल ऑफ पावर थ्री बाई टू अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले में क्या था, सी स्क्वायर एक्स की माइनस टू रहा होगा, रो इक्वल टू वन प्लस माइनस का सी स्क्वायर एक्स की माइनस टू का हाल ऑफ स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू अपॉन डी टू बाई टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू, ठीक है। दैन रो इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस सी की पावर फोर एक्स की पावर माइनस फोर, ठीक है, की हाल ऑफ थ्री बाई टू अपॉन टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू। इसको सॉल्विंग कर लेते हैं, जो फॉर्म आ जाएगा इट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर वन प्लस का सी की पावर फोर बाई एक्स की पावर फोर की थ्री बाई टू अपॉन टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, यानी रो इक्वल टू वन, ये होगा एक्स की पावर फोर प्लस सी की पावर फोर की पावर थ्री बाई टू अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा अपॉन टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। देन रो की क्वांटिटीज निकालेंगे, रो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, रो द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रो इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस सी की पावर फोर की पावर थ्री बाई टू अपॉन एक्स की पावर सिक्स अपॉन टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर थ्री, मल्टीप्लाइंग में ये यहाँ पहुँच जाएगा, यानी रो इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन टू सी एक्स की पावर सिक्स, ये कैंसिल भी हो जाएगा, टू सी स्क्वायर है, टू सी स्क्वायर एंड एक्स की पावर फोर प्लस सी की पावर फोर की पावर थ्री बाई टू कैंसिल होकर यहाँ थ्री बन जाएगा, रो इक्वल टू हो गया एक्स की पावर फोर प्लस सी की पावर फोर की थ्री बाई टू अपॉन टू सी स्क्वायर एक्स क्यू, ठीक है। ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस क्वेश्चन का रेडियस ऑफ कर्वेचर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इस टाइप का तो हो ही जाएगा, जैसे कभी कभी एक आर्टिकली बेसिस क्वेश्चन का ज़्यादा पूछ लिया जाता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी ये दिया है,
ठीक है, वाई इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए आप बीच बीच में इमेज कभी धुंधली हो जाती है, तो वो जब कैमरा है गैपक लेता है कभी कभी, तो उस पर कहते हैं लोग कि इसकी क्वालिटी बदलिए, तो वो जो है थोड़ा सा कभी ध्यान दे लिया, जैसे इस समय हुआ है, ये रोक के अगर फिर से चला देते हैं तो सही हो जाता है। लगातार वीडियोस बना रहे हैं तो कहाँ ध्यान देते हैं कि वो उस पर कहाँ हुआ, तो धीरे धीरे एक दो सेकंड बाद, दो मतलब एक आध मिनट के अंदर अंदर वो ऑलरेडी ठीक हो जाता है, यानी उसकी क्वालिटी ऑलरेडी सही हो जाती है। बाई इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी है, ये अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लेना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर डी वाई बाई डी एक्स देखिएगा आ सही हो चुका है, बीच बीच में ऐसा हो जाता है, तो ये क्वालिटी ये इस तरह की बन जाती है कंडीशन, कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, तो कोस का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी इन टू एक्स अपॉन सी का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन सी इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन सी। ठीक है, यहाँ सी से ये सी कैंसिल हुआ, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आया साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। अब लेना हमको डबल डिफरेंशिएशन, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी इंटू वन अपॉन सी। ठीक है, तो वन अपॉन सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी ये आ चुका है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड डी वाई बाई डी एक्स भी निकल चुका है। अब फॉर्मूला सप्लाई करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रो, रो इक्वल टू, रो का फॉर्मूला इसमें लगाना है, तो रो इक्वल टू होगा वन प्लस का डी वाई बाई डी एक्स का हाल ऑफ स्क्वायर की पावर थ्री वाई टू अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का हाल ऑफ स्क्वायर, यानी कि साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी का हाल ऑफ की पावर थ्री बाई टू अपॉन डबल है वन अपॉन सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ठीक है, रो इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी की पावर थ्री बाई टू अपॉन वन अपॉन सी है, तो ये सी यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा, वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी। तो साइन जो हाइपरबोलिक वाले फॉर्मूलेस हैं, हाइपरबोलिक वाले थोड़ा सा चेंज फॉर्मूले हुआ करते हैं। ठीक है, तो हाइपरबोलिक अगर फॉर्मूले की तरह से इसको अगर तोड़ा जाए तो यहाँ पे हो सकता है कि ये कुछ ऐसा बन जाए, क्योंकि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू होता है वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर जो टर्म्स लिखा है ये बन जाएगा वन प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी इक्वल टू बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी। ठीक है, ये टर्म्स बन जाएगा, तो ये और सोल्व हो जाएगा अभी, कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी का स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू चल रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। इसको अगर हम कट करते हैं तो रो इक्वल टू बनेगा, रो इक्वल टू, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आने की चांसेस बना है, इस टाइप का आया हुआ भी ये क्वेश्चन, हॉल ऑफ पावर थ्री, ठीक है, अपॉन कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, देन रो इक्वल टू होगा सी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी का हॉल ऑफ स्क्वायर, यानी रो इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी, इसको ये भी लिखा जा सकता है, रो इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वही हम लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं पर डिपेंड करेंगे। एक क्वेश्चन है, ये पीजीटी वगैरह में आ चुका है, एक्सप्रेस द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ ए पैराबोला इन टर्म्स ऑफ द फोकल डिस्टेंस, ऑफ द फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला।
ठीक है, एक्सप्रेस द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ ए पैराबोला इन द टर्म ऑफ द फोकल डिस्टेंस एट द पॉइंट एंड द लेटेस्ट सेक्ट ऑफ पैराबोला। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इस पे ये इसका आंसर आता है रो इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ए एस पी की पावर 3/2। तो इसका जो आर्टिकल बेसिस क्वेश्चन है वो एक दो क्वेश्चन ये जो पी सी एस प्री एग्जाम वगैरह होते थे पहले मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेके वहाँ पे काफ़ी बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, और पी जी टी में भी देखा गया है, पी जी टी राजकीय इंटर कॉलेज में, और यहाँ पे भी आने के चांसेस हैं, कई एक बार इसको देखा गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे रो में पूछ लिया था, शायद हमको ध्यान नहीं आ रहा कि पी जी टी 13 में है पूछा है कि 11 में तो नहीं पूछा, 11 का तो पेपर ही बहुत ईजी था, इस टाइप का क्वेश्चन आया ही नहीं था। पी जी टी 13 में हो सकता है या 10 में हो सकता है, तो वो क्वेश्चन हमको पूछा गया। देखिएगा इसी क्वेश्चन का पार्ट बनेगा, ये तो फाइनल है, यहाँ पूछा जाए या उससे पहले पूछा जाए, देखिएगा हम बता दें कहाँ पे उसका पूछा गया था। लेट एक्सटेंड बाई द पॉइंट ऑफ पैराबोला, एक पैराबोला लेंगे, पैराबोला पे कोई पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई द पॉइंट ऑफ पैराबोला, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकल एक्सेस यानी कि जो फोकल एक्स है इसकी कोऑर्डिनेट 1,0 है, देन एस पी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एस एंड पी, एस पी का जो डिस्टेंस होगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, यानी कि एस पी इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है कि पैराबोला का क्वेश्चन है, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, देन एस पी इक्वल टू होगा अंडर रूट एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस का 4ax। ठीक है, इसको अगर सॉल्विंग हम करते हैं तो ये कंडीशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का 4ax, यानी कि एस पी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। एस पी इक्वल टू आ जाएगा ये अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि एस पी इक्वल टू आ गया एक्स प्लस ए। ठीक है, एस पी की क्वांटिटीज आ चुकी हैं एक्स प्लस ए। ठीक है, एस पी इक्वल टू एक्स प्लस ए आ चुका है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको फाइंडिंग करना है, यानी कि रो निकालना है, तो वाई इक्वल टू y इक्वल टू एक्सप्रेस द रेडियस ऑफ कर्वेचर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, 4ax। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम y लेते हैं तो y इक्वल टू 2 अंडर रूट ax, y इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। अगर ऊपर वाली एक्सेस के लिए ले लिया जाए या मान लीजिएगा 2 अंडर रूट ए एक्स की पावर 1/2, ये वाई हुआ। अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं 2 अंडर रूट ए या का 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस का 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट ए और एक्स की पावर माइनस का 1/2 यानी कि अंडर रूट ए अपॉन एक्स, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट में ए अपॉन एक्स। यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं, क्लियर है। पैराबोला से लिए, उसकी फॉर्म बनाया, अब लेना है डबल डिफरेंशिएशन। ये एस पी वाला टर्म हटा दें क्योंकि इसकी क्वांटिटीज निकाल चुके हैं, और लेना है डबल डिफरेंशिएशन। ये हमको प्रूव करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए और डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस 1/2, 1/√x है ऊपर जाएंगे एक्स की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट ए एंड माइनस का 1/2 एक्स की पावर माइनस का 1/2 माइनस का 1, तो माइनस का 1/2 अंडर रूट ए एक्स की पावर माइनस का 3/2। तो ये होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सॉल्विंग करते हैं इसको, तो अंडर रूट ए वाई टू और एक्स की पावर माइनस का 3/2। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि रो लिया जाएगा। एस पी है एक्स प्लस ए, रो का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस पी की वैल्यू बनाए रखें। अब देखिएगा पैराबोला का रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1 का डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर की पावर 3/2 और अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी रो इक्वल टू 1 डी वाई बाई डी एक्स कितना है अंडर रूट ए अपॉन एक्स, 1 का ए अपॉन एक्स की पावर 3/2 अपॉन डबल में है रूट ए वाई टू एंड एक्स की पावर माइनस का 3/2। तो ये हो जाएगा ए प्लस एक्स
ऊपर a प्लस एक्स की पावर 3/2 यानी कि x प्लस a की पावर 3/2 अपॉन x की पावर 3/2 अपॉन माइनस का अंडर रूट a/2। और इसको अगर माइनस 3/2 तो यहाँ लेंगे x 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी ऊपर पहुँच जाएगा x यानी कि x प्लस a की पावर 3/2 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट a। ये इतना ऑप्शन में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो माइनस में जो साइन है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस साइन में नहीं होती है, यानी कि रो इक्वल टू क्या हो सकता है, 2x + a^3/2। जो रेडियस होती है एक टाइप की लेंथ होती है। इतना क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आ चुका है, मतलब उसका आंसर ये दिया हुआ था 2013 में है कि 10 में है, यहाँ पर यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पैराबोला, वहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ था। तो यही क्वेश्चन अगर आगे को बढ़ जाए, SP = x + a हो जाए, SP के टर्म में अगर दे दें तो क्वेश्चन तो वही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा SP की पावर 3/2 / √a, ठीक। तो करना क्या है, वही तो क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे को बढ़ा दिया गया है, यानी कि एक लाइन लिख दिया है आगे को SP की पावर 3/2। मान लिया वही क्वेश्चन इस ऑप्शन में आ जाए तो भी तो वही है, हाँ, इस तरह से ऑप्शन दे दें तो इस तरह के ऑप्शन में चेंज होके भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है UPPGT उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित एग्जाम में। टाइम मतलब ईयरली नहीं दिया ने, बस बाकी तो पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये क्वेश्चन है, √x + √y = 1 (1/4) and 1/4, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। √x + √y = 1 (0.1/4) इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, वही dy/dx निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/2 x^(1/2 - 1) + (1/2) y^(1/2 - 1)(dy/dx = 0। 1 का हो जाएगा 0, तो ये होगा 1/2 y^(-1/2) dy/dx = -1/2 x^(-1/2) 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, dy/dx = -x^(-1/2) / y^(-1/2) y^(1/2) / x^(-1/2), ठीक है। तो dy/dx आ चुका है, यानी कि -√y / √x, ठीक है। इसका डबल डिफरेंशिएशन होना, d2y/dx² तो ये हो जाएगा फॉर्मूलास, इसका x के टर्म में लेना यानी डिवाइडिंग फॉर्म लगेगा, एक्स एंड वाई दोनों का ही होगा, √x² √x (d/dx) √y - √y and d/dx √x, ठीक है। इस तरह से इसको लेंगे तो ये होगा d2y/dx² = -√x और यह होगा 1/2 y^(-1/2) · dy/dx माइनस का रूट वाई एंड 1/2 x^(1/2) - 1 / √x² यानी कि x। तो dy/dx को पहले सेव कर लें, dy/dx है -√y / x, आप लेना है डबल वाला जो टर्म चल रहा है d2y/dx². देखेंगे d2y/dx² आ गया है माइनस के अंडर रूट एक्स एंड 1/2 y^(-√x) and 1/2 y^(-1/2) dy/dx था -√y / x, ठीक है, यानी कि √y/√x, √x जाएगा और -√y और 1/2 x^(-1/2) / x, डबल डिफरेंशिएशन यानी कि d2y/dx² के टर्म में चल रहा है, तो ये हो गया d2y/dx² = - एंड -√y/(1/2) / √y और x^(-1/2) ये कैंसिल हो जाएगा, पावर कैंसिल हो जाएगा एंड d2y/dx² = -√y/(1/2) / √y और y^(√y/√x) / x। अब क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देना है, x एंड y की वैल्यूज पुट कर देना है, x एंड y का वैल्यूज है ना, x = 1/4 and y = 1/4, तो दोनों क्वांटिटीज रखा जाएगा dy/dx में भी एंड d2y/dx² में भी। तो 1/4 / 1/4 ये तो होना है 1, ठीक है, dy/dx आ चुका है। यहाँ पे देखते हैं, ये तो 1 हो जाएगा,
ठीक है, इक्वल हो जाएगा, एक्स एंड वाई बराबर बराबर हैं, तो क्या बनेगा, माइनस माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1/4, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, अगर माइनस 1/2, माइनस 1/2 यानी कि माइनस का 1, प्लस 1 अपॉन 1/4 यानी कि 1 अपॉन 1/4 यानी कि आ जाएगा 4, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ चुका है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, इसमें पॉइंट डालना होगा, तो पॉइंट डाल के इसको निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया ये आगा 4। ठीक है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की क्वान्टिटीज 4 आई थी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा रो इक्वल टू 1 प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 4, यानी कि 2 की पावर 3/2 अपॉन 4, तो रो इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 अपॉन 4, यानी कि अंडर रूट 2 अपॉन 2 या 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, इट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह से निकाल ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑफ टाइप, इस टाइप में इस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट ऑफ टाइप में जो क्वेश्चन होगा वो होगा जैसे कि वाई इक्वल टू 4 साइन एक्स माइनस का साइन 2x, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट x इक्वल टू 5/2 पर। ठीक है, x इक्वल टू 5/2 पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका फाइंड करना है। तो पहले तो dy बाई dx ही निकालना पड़ेगा। y इक्वल टू दिया है 4 साइन x माइनस का साइन 2x एट पॉइंट x इक्वल टू 5/2। x इक्वल टू 5/2, देखिएगा फिर से विजिबिलिटीज कम हो गई है, और इसको थोड़ा सा सही होगा तभी हम स्टार्टिंग करेंगे। अब बाई कल टू 4 साइन एक्स माइनस साइन 2x, पॉइंट दिया है x इक्वल टू 5/2, इसका पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4 साइन एक्स का होगा कोस एक्स माइनस का साइन 2x का कोस 2x इंटू 2। ठीक है, तो क्या 4 कोस एक्स माइनस का 2 कोस 2x, ये आया है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है 4 कोस एक्स माइनस का 2 कोस 2x। ठीक, अब निकालना है हमको डबल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 कोस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स माइनस 2 कोस 2x का माइनस का साइन 2x इंटू 2। ठीक, देन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 4 साइन 2x। ठीक है, अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ चुका है, इसमें एक्स की वैल्यू ड्रा कर दें, एक्स इक्वल टू है पाई बाई टू ड्रा करते हैं, तो 4 कोस पाई बाई टू माइनस का 2 कोस 2 इंटू पाई बाई टू, कोस 90 हो गया 0, 2 पाई हो गया कोस पाई यानी कोस 180 माइनस 1 ये आ गया 2। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की क्वान्टिटीज आ गया 2, आप लेना है डी टू वाई में, यहाँ पे एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पुट कर दिया जाए। ठीक है, जिस पॉइंट पे कहेगा वो पे निकालना होता है, साइन पाई बाई टू प्लस का 4 साइन 2 इंटू पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन पाई बाई टू 1 प्लस का 4, ये हो गया साइन पाई होता है 0, माइनस का 4 प्लस का 0 आ गया माइनस 4। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल चुके हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल चुके हैं, तो एक का आंसर 2 आ गया है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स आया 2 एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया माइनस का 4। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, फॉर्मूला वैल्यू ड्रा करते हैं और उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल आएगा। ठीक है, देन रो इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर की होल ऑफ पावर 3/2 अपॉन डी की पावर 4 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स यानी कि 2 का स्क्वायर की होल ऑफ पावर 3/2 अपॉन माइनस का 4। सॉल्व करेंगे 1 प्लस 4 की पावर 3/2 अपॉन माइनस का 4 यानी कि 5 अंडर रूट 5 अपॉन माइनस का 4, यानी रो इक्वल टू आया माइनस का 5 अपॉन 4 रूट 5। ठीक है, ये इस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर आ चुका है, क्योंकि रो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक लेंथ होती है,
उसको माइनस साइन में नहीं लिख सकते, यानी माइनस में नहीं लिखेंगे, रो इक्वल टू फाइव अपॉन फोर रूट फाइव हो जाएगी।